दिल्ली को कांग्रेस की शीला दीक्षित और भाजपा की सुषमा स्वराज के बाद आम आदमी पार्टी के आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। आतिशी इस पद पर अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी। अरविंद केजरीवाल पार्टी विधायकों की एक बैठक में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। दीक्षित दिल्ली के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही थी, जिन्होंने 1998 से 2013 तक यानी कि 15 वर्षों तक पदभार संभाला था। वहीं स्वराज का कार्यकाल 1998 में 52 दिनों का रहा था। आतिशी दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री होंगे और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बाद देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। दीक्षित 60 साल की आयु में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, जबकि स्वराज ने 46 साल की उम्र में यह पद संभाला था। आतिशी वर्तमान में दिल्ली मंत्रिमंडल में सबसे अधिक विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वे वित्त, जल, शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली, राजस्व, योजना सेवा, कानून, सतर्कता और अन्य प्रमुख विभागों में मंत्री हैं। आतिशी ने आम आदमी पार्टी की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर केजरीवाल के आपके अन्य वरिष्ठ नेताओं के जेल में बंद रहने के दौरान, जब उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी का संचालन किया। केजरीवाल ने मंगलवार शाम उप राज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे आतिशी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।